हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जीते जी सारा सामान छोड़ देता है, मेरे आला हजरत का जो भी रास्ता छोड़ देता है उसको भी जीते जी सारा सामान छोड़ देता है, भले ही बर्फ की सीढ़ी पे लेटा हो कोई नजदीक, रजा का नाम सुनते ही पसीना छोड़ देता है, भले ही बर्फ की सीढ़ी पे लेटा हो कोई नजदीक, रजा का नाम सुनते ही पसीना छोड़ देता है। उसी खिताबत पर जलवाबार होने के लिए परेश शरीफ सरसरी से चलकर हमारे दयाल मोहब्बत में आने वाला वो खतीब जिसको पूरा हिंदुस्तान खतीब मकरमा मुकर्रर शुदा बयान हजरत अल्लाह मुफ्ती आसिफ कादरी साहब के बिला हुजूर वाला से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने खिताब नायाब से तमाम सामईन के गुरु दोस्तों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए उनका खिताब की जो के साथ जो जहां बैठा है वहीं बैठ के सुने इंशाल्लाह। इसके बाद आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसके बाद इंशाल्लाह सलात व सलाम बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब ऐसा नहीं कोई शायद नहीं बाकी है, सारी किस्तें जमा हो चुकी है, सिर्फ एक किस्त बाकी है, उस किस्त को आप तरीके से इस्तेमाल करना है। आइए हजरत का इस्तेमाल ला रही है दिल में सारा की दिल में करें करें ये शेर मैं आपको दे रहा हूं इरशाद भाई। इस शेर से कहने के बाद बात बहुत ज्यादा बदनाम है, बहुत ज्यादा बदनाम है, हालांकि ये शेर अच्छा है, अगर शेर अच्छा है तो सब बोलेंगे क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा फील होगा, मगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने चाहे मैं हूं आप हाँ, कोई भी हो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है ये हुस्न फानी है जो इसमें जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है ये हुस्न फानी है जो इसमें जरूर आता है, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से ही चेहरे पे नूर आता है। किसी भी इतना ही प्यारा नबी लगा लीजिए, इतने स्मार्ट नहीं हो सकते जितने स्मार्ट अल्लाह की बारगाह में एक सस्ता कर ले, कसम खुदा की जब आप सस्ता करेंगे नमाज पढ़ेंगे तो इस शान के साथ पढ़ेंगे कि सब नमाजों में पहले झुकाया करो फिर अदब से मजाक पे जाएगा, सब नमाजों में पहले झुकाया करो फिर अदब से मजाक पे जाया करो, और यह से अकीदत अच्छी है मगर सर खुदा की ही आगे झुकाया, और यह से अकीदत अच्छी है मगर सर खुदा की ही आगे झुकाया करो। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों आप उसी जेब में रखो नारे अली जनाब इज्जतदार मोहम्मद आसिफ साहब को
जिन्होंने के मुस्तफा का सबूत देते हुए इस महफिल पाक को सजाया है। रब करीम की बारगाह में दुआ है परवरदिगार, इनके साथ जिन लोगों ने इस महफिल पाक को सजाने में जिस तरीके से शिरकत की हुई, मौला सबों की शिरकत को कबूल हो। परवरदिगार जितने मौजूद हैं या जो थे चले गए, सबों के मकानों में, दुकानों में, खेतों में, उम्रों में, कमाइयों में बरकत नाजिल फरमा। सबों के जायज कारोबार में तो मामला बड़ा अजीब सा है, और मैं तो समझता हूँ जो जिनके दूर से आता हूँ उससे उतने ही अखीर में पूछ के लेगा। हाँ यार उधर राजस्थान हो, बदलाव हो, कश्मीर हो, बहर कर जो जितनी दूर से आता है, खैर खैर खसूसी इसी को कहते हैं साहब जो दूर से आया। बहर कर तकरीरे पहले कर लिया कुछ नसीहत लेते हैं। आसिफ भाई ने मुझसे कहा नसीहत पर होना चाहिए, आप लोग किस पे सुनना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर आप सुनेंगे? जिस टॉपिक पर आप आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा नसीहत। नसीहत वालिदैन पे, नमाज पे, रोजे पे, ज़कात पे, हज पे, ज़ुल्म सितम पे, अत्याचार पे, जो आप नसीहत चलिए नसीहत चंद बातें ये हमारे भाई ने कह दिया तो मैं इस पर अमल। इससे पहले शोरा से आपने नातिया दीवान तो सुन ली, अगर इजाजत हो तो तुए भी दे। इजाजत है? अरे इजाजत है तो ऐसा लग रहा हमारे यहाँ तो जन्नत से दूर, जहन्नम से करीब और लोगों से, ये मेरे पैगंबर की हदीस और सिहा नबी आगे फरमाते हैं। सखी सखी जो सखी होता है, सखावत करने वाला होता है, सरकार फरमाते हैं ऐ लोगों सखी जन्नत से करीब है और जहन्नम से सिहाबा ने अर्ज किया सरकार सखी किसे कहते हैं और कंजूस किसे कहते हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं सखी उसे कहते हैं जो अल्लाह के रास्ते में अपने खजाने का दुख हो, राहे मौला में अपने खजाने का। और इसके अलावा मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया सखी उसे कहते हैं जो मेरा नाम सुने और उस पर दुरूद पाक पढ़े, उसे सखी बोलते हैं। जो हुआ वो था अपने कानों में रखा रखने के बाद उन्होंने उंगली को डाला और उंगली को डालने के बाद जैसे ही सोए थे फिर से उनके कानों में एक ही आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह, और जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज कानों में गूंजी घबरा गए, बोले ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। बोले अच्छा देख तो लूं, ये पढ़ कर ला इलाहा इल्लल्लाह के सदा उठा लो। पंडित जी उठे थे वो भी तमाम सवारियों को चेक किए सबके लंबा वो 72 नंबर की सीट पर चढ़ा तो हुजूर मुफ्ती आजम ने एक एक कान हम के करीब अपने कान किए तो ये भी लंबा वो सुभान अल्लाह सबके हो
और जब सब खामोश थे मुसलमानों, अब पंडित जी ने फिर अपने कानों को लगाया है। बोलो हो सकता है सब तो खामोश है, हो सकता है मौलाना। फिर लगाया है, फिर हिजरत ने कोई आवाज नहीं सुनी। पंडित जी बोले मौलाना साहिब मैं सो रहा था और सोते सोते मेरे कान में एक सदा गूंजी ला इलाहा इल्लल्लाह। सबको मैं चेत लिया, सब सो रहे हैं, यहाँ तक कि आप भी सो रहे थे। ए बरेली के मौलाना बताओ तो सही, ये आवाज है तो है, ये आवाज है तो है किसकी? तो मुफ्ती आलम ने ही रजी अल्लाह तआला ने मुस्कुराकर फरमाते हैं, पंडित जी अगर हम कहें तो सच मान लो, हम कहें तो सच। तो पंडित जी बोले मानना पड़ेगा, इसलिए कि तुम बरेली के मौलाना हो और जो बरेली का मौलाना होता है वो झूठ नहीं नहीं बोलता। पंडित जी बोले तुम बरेली के मौलाना हो, इसलिए बरेली के मौलाना झूठ नहीं बोलते। देखिए उनका भी हम पर कितना यकीन है, उनका भी हम पर कितना यकीन। वो कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, इसलिए आप बोलिए। तो मुफ्ती आजम इस फरमाते हैं, पंडित जी जो तुम्हारे कान में ला रहा है अल्लाह की सदा गूंज रही है, ये ट्रेन है चलने के लिए। बरेली के मौलाना हर बात आपकी मानेंगे लेकिन ये बात नहीं मानेंगे, इसलिए हजरत मुफ्ती आजम फरमाते हैं, पंडित जी ट्रेन चल रही है ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा गाती जा रही है, ट्रेन चल रही है ला इलाहा इल्लल्लाह के गीत गाती जा रही है, ट्रेन चल रही है ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करती जा रही है। बरेली के मुफ्ती आजम से पंडित जी कहते हैं, बरेली के मौलाना हर बात तो मानेंगे ये नहीं मानेंगे, मुफ्ती आजम ने ही फरमाते हैं। तो पंडित जी जवाब देते हैं, बरेली के मौलाना हम इसलिए तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, इसलिए दुनिया की हर चीज का उसूल है, लकड़ी लकड़ी से टकराती है तो फट फट की आवाज होती है, शीशा शीशे से टकराता है तो कम कम की आवाज होती है, लोहा लोहे से टकराता है तो कम कम की आवाज होती है, यहाँ पर लोहा लोहे से टकरा रहा है, कम कम की आवाज होना चाहिए। अल्लाह की सदा नहीं, बहाली के मौलाना को चला ला गया, पंडित जी की गर्दन को पकड़ा, उनके कान को अपने दिल के करीब किया, तो पंडित बोला, ए बरेली के मौलाना अगर ट्रेन के चलने से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आती है तो आपके दिल की धड़कनों से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज। नारे तकबीर, नारे बोले यहाँ शरीयत को बेचा नहीं जाता, यहाँ फतवा बदला नहीं जाता, बल्कि हुकूमत बदल दी जाती है, मुसलमान नमाजी बन के तो दिखाओ, और जब तुम नमाजी बन जाओगे तो मेरा दावा है अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी को दूर फरमा देगा, हर मुश्किल को आसान फरमा देगा। एक इंसान आपने सुना होगा कि इंसान इस तरीके से नमाज इंसान की रहनुमाई करती है, इंसान किसी हाजत से किसी कहीं जा रहा था, प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, सोचा टिकट खरीद ही लिया जाए, और जैसे ही ट्रेन में लगा और जैसे ही लाइन में कतार में लगा तो ट्रेन आ गई, कतार बड़ी लंबी थी, सोचा टिकट लूंगा तो ट्रेन छूट जाएगी, और जैसे ही उसने ख्याल किया था कि उसके कानों में सीटी की आवाज जी, जल्दी से निकला और निकलने के बाद ट्रेन में सवार और उसी डिब्बे में सवार हुआ जिस डिब्बे में बैठी थी, उसी डिब्बे में बैठी जिसमें टिकट चेक कर रहा था, उसी डिब्बे में पहुंचा और उसी डिब्बे में पहुंचने के बाद बैठी जब सब कट
टिकट चेक करते हुए उसके करीब में पहुंचा। अरे भैया अभी आई कहां? अच्छा ये भी याद रखना, ये भी जरूर है। और टीवी जब टिकट चेक करते हुए उसके करीब में पहुंचता है, बड़ा घबराया है, इतना परेशान हो गया, फौरन एक गाली में तीन ही बात याद आ गया कि उन्होंने कहा था कि इंसान अगर नमाज का पाबंद हो जाए तो नमाज उसको हर परेशानी से बचाए। झट से दूसरे के कले से रुमाल भाग निकाला, लोगों को हटाया, छाया जैसे ही अल्लाह ऊपर कहकर नियत बांधी मुसलमान वालों, टीटी सर पे टिकट चेक करते हुए जब फारिग हो गया उसके करीब आकर खड़ा हो गया। काफी देर हो गई लेकिन उसकी अभी उतनी ही है जितने से उसने शुरू खड़ा रहा, खड़े खड़े थक गया तो दूसरे से बोला मियां ये क्या हो गया? दूसरा बोला मियां ये नमाज वो इंसान जैसे ही उसके करीब में खड़ा रहा फिर खड़े 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 थक गया तो टीटी बोला यार ये बता दो ये कौन से वक्त की नमाज है? बोला ये कौन से वक्त की नमाज? दूसरा बोला टीटी साहिब के जोर की दोनों की कलम और मसीद लेके तैयार है। अगर टिकट इसका होगा नहीं तो आज फैन है, पैसे ही हुई हो तो उसे जेल में बिल्कुल तैयार, इतना तैयार बैठा हुआ था लेकिन वो भी बड़ा चालाक था और जब वो इंसान जब टिकट चेक खड़े थक गया फिर ये बोला यार इतना और बता दो जुहर की नमाज में कितनी रकत होती है? कितनी रकत होती है? तो दूसरा छक से बोला 12। कितनी? 12 रकत। बोला 12 बोला बड़े दूसरे उदास होकर ये बता दो कि अब ये हो गई कितनी है? अभी हुई कितनी है? जब उसने ये कहा कि अभी हुई कितनी है तो दूसरा छक से बोला ये हंसाने का मकसद नहीं, अगर इंसान नमाजों को बहाना बना जाए, टीटी के फैल से बच जाए, पुलिस के डंडों से बच जाए, जेल की सलाखों से बच जाए, जेल में पत्थर तोड़ने से बच जाए, जेल में काम पास से बच जाए, जेल में आटा पीसने से बच जाए, जेल में मोटू बनाने से बच जाए, जेल में फैक्ट्रियों से बच जाए, जेल में खेती बाड़ी से बच जाए, जेल में पत्थर तोड़ने से बच जाए, एक मुसलमान अपनी इसी दवा शादी को पेशानी को छुपा दो तो उसको कसम खुदा की मजा ही आ जाता है। और जब अल्लाह की इबादत इंसान करता है और वो पाबंद हो जाता है, अगर एक पंक्ति वो इंसान अगर छोड़ दे तो उसे अजीब सा लगता है यार, पता नहीं मेरी कोई चीज गायब है, नमाज़ें पढ़ोगे तुम्हारी कमाई में बरकत होगी,
بس نبی علیہ السلام کا نواسا مجلس سے بغداد میں خطاب فرما رہا تھا، ایک انسان تھا آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ انسان دن میں بھی کماتا، وہ انسان رات میں بھی کماتا، لیکن حال کیا تھا، اگر صبح کو ملتی تو پھوٹا، اگر صبح کو کھاتا تو شام کو بھوکا رہتا، اگر شام کو کھاتا تو صبح کو بھوکا رہتا، وہ انسان ایسی ہی زندگی گزارتا رہا، سرکار روضے اعظم کی مجلس میں بیٹھ کر حضور روضے اعظم کی زبانی مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان سنتا ہے، وہ انسان ارادہ کرتا ہے میں نمازوں کی پابندی کروں گا، نماز ظہر کو میں پڑھوں گا، نماز عصر کو میں پڑھوں گا، نماز مغرب کو میں پڑھوں گا، نماز عشاء کو میں پڑھوں گا، نماز فجر کو میں پڑھوں گا، وہ انسان پابندی نماز کا کرتا ہے، اب وہ ہر وقت نمازوں میں لگا رہتا ہے، کام پہ جاتا ہے نماز کا وقت نکالتا ہے پڑھتا ہے، کام سے فارغ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، وہ انسان نماز پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہا، ایک سال گزرتا ہے دو سال گزرتے ہیں، ادھر پر نمازوں کی پابندی کرتا رہا، ادھر پر پروردگار اس کی کمائی میں برکت فرماتا رہا، اس کے رزق میں برکت فرماتا رہا، پہلے وہ بہت بڑا غریب تھا، اب وہ بہت بڑا رئیس ہو گیا، اب رئیس اعظم ہو گیا، اس نے ایک لنگر خانہ کھولا، اور لنگر خانہ کھولنے کے بعد اس انسان نے اعلان کرا دیا، اے لوگوں اگر کوئی غریب ہو میرے لنگر خانے پر آئے، آسودہ ہو کر جائے، یتیم آئے وہ بھی کھا کر جائے، بیٹا آئے وہ بھی کھا کر جائے، مفلس آئے وہ بھی کھا کر جائے، کوئی غریب آئے وہ بھی کھا کر جائے، جو انسان کھانا کھا کر جائے، ہر انسان درد میں کھانا کھا کر جائے، صبح آئے تب بھی کھا کر جائے، شام میں آئے تب بھی کھا کر جائے، دوپہر میں آئے تب بھی کھا کر جائے، اب وہ انسان اعلان کرتا ہے، اعلان کرنے کے بعد اب لنگر خانہ شروع ہوتا ہے، جو بھی سو گھنٹے لنگر خانہ ہے، غریب آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، یتیم آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، مفلس آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، دیوانے آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، اب انسان آتے رہے کھاتے رہے، اور کھانے کے بعد اب وہ انسان کچھ اشرفیوں کو لیتا ہے، لینے کے بعد سرکار وزیر اعظم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے سرکار یہ نذرانہ ہے، میرے وزیر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے غلام کے نذرانہ کس چیز کا ہے، یہ نذرانہ کیوں لے کر آئے ہو، یہ نذرانہ کس وجہ سے لے کر آئے ہو، میرے غلام بولو کس بات کا نذرانہ ہے، تو سرکار وزیر اعظم کی بارگاہ میں مرید عرض کرتا ہے، یہ میرے پیارے آقا میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے گا، اللہ اس کی غربت کو دور کر دے گا، اللہ اس کی مفلسی کو دور کر دے گا، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اے میرے پیارے آقا، اے میرے پیارے آقا، اسی مجلس میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میرا حال یہ تھا اگر صبح کو ملتی تو شام کو بھوکا رہتا، اگر شام کو ملتی تو صبح کو بھوکا رہتا، اے میرے پیارے پیغمبر کے حبیب، اے میرے پیارے پیغمبر کے نواسے، میں نمازوں کی پابندی کرتا رہا، روزوں کو میں رکھتا رہا، نمازوں کو پڑھتا رہا، ادھر میں نمازوں کی پابندی کرتا رہا، ادھر پر پڑھتی گا، میں نے رزق میں برکت فرماتا رہا، میں شہر میں رئیس اعظم ہو گیا، اے مسلمانوں سرکار روسی اعظم کی بارگاہ میں، وہ مرید عرض کرتا ہے سرکار یہ نذرانہ ہے، نماز کی برکت سے کمایا ہے، میرے پیارے آقا قبول فرما دو، سرکار روسی اعظم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام شہر میں غریبوں کو پورا کرنا، شہر میں مفلسوں کو پورا کرنا، شہر میں غریبوں کو بلایا گیا، شہر میں مفلسوں کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد حضور روسی اعظم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام ارے اس نذرانے کو تم ان غریبوں میں بار دو، ارے اس نے اس نذرانے کو ان غریبوں میں بار دو، تو تاریخ نے بتایا پروردگار نے اس نذرانے کی وجہ سے ان کو بھی امین بنانا، ایک نمازی اگر کسی نمازی کو پیسہ دے دے اللہ رب العزت اس کو بھی امیر بنا دیتا ہے، مسلمانوں یہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث اور سرکار غوثی اعظم کے مرید کا واقعہ ہے، مسلمانوں نمازوں کی پابندی، نمازوں کی پابندی کرو گے نمازیں پیشی نماز ہیں، یہی تو نماز ہے، اسی نمازوں کے لیے تو حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں قربان کی، اسی نماز کی خاطر حضرت امام حسین نے علی اکبر کے بازو علی عباس نمبردار کے بازو کو قربان کر دیا، چھ اپنے
जवान बेटी अली असगर की गर्दन को कटाता जवान भतीजे हजरत कासिम की जवान को कटाता मुसलमानों नमाजों की हिफाजत के लिए अपने धान के हजरत और हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 6 बजे कुर्बान करके दुनिया को बता दिया लोगों को मैंने दीने मुस्तफा पर अपने खानदान को कुर्बान कर दिया है नाचार के दिए हुए दीन को मेरे प्यारे नाना के लाए हुए दीन को ना छोड़ना मेरे प्यारे हुसैन ने ये पैगाम दिया और आज हाल ये है कि हम नमाजों से गाफिल हैं मुसलमान रोजों से गाफिल हैं नबी अलैहिस्सलाम की नवासे हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में भी अपनी कंपनी का दम कर मैदान करबला में अपनी भी गर्दन को कटा कर कि मैंने दीने मुस्तफा की हिफाजत के लिए अपने खानदान को कुर्बान किया अपनी गर्दन को कटाया मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों तुम नमाजों की पाबंदी करो अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा कर और जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम कर अपने घर में दाखिल हो तो सलाम कर लिया करो नबी अलैहि सलाम तस्लीम फरमाती है लोगों अगर जिस घर में कोई नहीं होता है तो उस घर में अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं और उनके साथ साथ मैं भी सरकार फरमाती है कि सलाम कर लिया करो सलाम करना ये सुन्नत है जवाब देना ये वाजिब है सलाम कुरान करो और सलाम ये सलाम का माना आता है सलामती वाला और इसी वजह से हमारा नाम रखा है मुसलमान इसलिए कि हम अमन और सलामती वाले हम अमन और सलामती वाले हैं तो सलाम कुरान करो और किसी के दिल को ना तोड़ो मुसलमानों किसी के दिल को ना तोड़ो और जब तुम किसी के दिल को तोड़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे नाराज होगा और अल्लाह जब तुमसे नाराज होगा तो अल्लाह की हर मखलूक तुमसे नाराज होगी हदीस का एक मफहूम उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ नबी अलैहिस्सलाम तस्लीम अपनी बीवी हजरत आयशा से बहुत खुश हुए इतने खुश हुए कि मेरे नबी मुस्कुराकर फरमाते हैं उससे मांगो कि हम तुम्हें आ जाता है ये मेरे प्यारे पैगंबर के जुमले हजरत आयशा वाह सुभान अल्लाह हजरत आयशा ने अल्लाह की सरकार मैं आज नहीं मांगूंगी अपने अब्बा अबू बकर सिद्दीक से पूछने आ गया आज की बीवी शो के दिखाओ आज की बीवी से अपने खुश होकर दिखाओ और जब तुम खुश हो जाओ और कहो कि मोहतरमा आप आज हम तुमसे बहुत खुश हैं आज जो चीज तुम मांगोगे हम देंगे तुम बता हालत खराब हो जाएगी ऐसा मुतालबा ऐसी फरमाइश होगी कि हालत खराब हो जाएगी ऐसी फरमाइश अरे ये फरमाइश तो दूसरी बात है तुम पूरी जिंदगी वो मुसल्लम अपने अहलिया को खिलाओ और एक दिन या दो दिन तुम रूपी खिला कर दिखा दो एक टाइम खाना रहा तो सर पे घर उठा कर आतंक का माहौल वो दहशत गर्दी मचा के मेरे मेरे खिलाने में भी इसके पास नहीं है मेरे अम्मा अब्बा की कब टूट गई थी ऐसे बोलते इस तरीके से कब टूट गई थी क्योंकि रहते हमारे घर हमारे हमें ऐसे फेंक दिया अल्लाह अकबर की ऐसे ऐसे तरीके से और जो औरत इस तरीके के जुमले अपने शौहर अपने पति के लिए इस्तेमाल करती है तो रब पदीर की हबीब फरमाती है जब तक कि उसका शौहर उसको माफ नहीं करता उस तक अल्लाह और उसका रसूल उसे माफ नहीं करता
اس آواز کو اللہ اور اس کا رسول معاف نہیں فرمائے گا جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی, جس نے اپنے پتی کی نافرمانی کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خوش ہیں. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.